नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम हैं पड़ाव चौराहे पे, ये देख सकते हैं सामने मुगल सराय 8 किलोमीटर है और राजदरी देवदरी 60 किलोमीटर है, सोनभद्र 72 किलोमीटर है। यहाँ से आपको हर जगह के लिए बस वगैरह मिल जाएगी। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन चले जाएंगे सीधे, और राइट टर्न लेंगे तो सीधे आप सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के लिए विंध्याचल चल के चले जाएंगे। ये जो रास्ता सीधे आपका साइंटिस्ट हमें लगे तो काम कर रहे थे, फोन ना उठाए तब। ये देख सकते हैं ये बनारस का मेन है, यही राजघाट मालवीय पुल के सीधे जाता है। शासन भी खड़ी है, हल्का सा जाम भी है आज क्योंकि शादी विवाह का समय चल रहा है, इसलिए जाम भी यहाँ पे चल रहा है। देख रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी आ रही है यहाँ पे। ये पूरा खाने पीने का यहाँ पे आपको फास्ट फूड जैसा आइटम मिल जाएगा। ये नज़ारा है और ये सामने पुलिस चौकी है, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जा सकते हैं चौकी पे। पड़ाव राजघाट उतरते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। देख रहे हैं ये शाम में एकदम गुलजार करता है ये पड़ाव चौराहा। गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आपको 24 घंटे मिलेगी, चाहे आपको वाराणसी जंक्शन जाना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जाना हो, चाहे आपको मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लिए कम मिलेगी, बट आपको दीनदयाल और वाराणसी जंक्शन के लिए मिलती रहेंगे। वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कमेंट में बताइएगा, और पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। वो सामने श्री हनुमान जी का मंदिर है, वो छोटा सा, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ होती है। मंगलवार को सजावट पूरा होता है, दर्शन वगैरह करना हो हनुमान बाबा का तो यहाँ पे आ सकते हैं। का हो ये देखिए सीधा जाता है आपका बनारस, एंट्री लेता है यही। ये हल्का सा जाम लगा हुआ है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और सामने अघोर पीठ अवधूत भगवान राम का कुछ सेवा आश्रम है, और इसी जगह आपका पंडित दीनदयाल का स्टैचू है, पार्क है सामने। चलिए मिलते हैं अगले बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।